थैंक यू जादू, तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया। ऋतिक रोशन की मोस्ट अवेटेड फिल्म क्रिश 4 को लेकर हम सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्रिश सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, ये हम सभी के बचपन की यादें हैं। हम सभी लोग बचपन से ही क्रिश को देखते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए क्रिश सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, हम सभी की इमोशन है। क्रिश फ्रेंचाइजी की दो पार्टों ने लोगों के बीच ऐसा जादू चलाया था कि लोग अब इस फिल्म की फोर्थ पार्ट को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो क्रिश 4 की अनाउंसमेंट साल 2018 में ही कर दी गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अभी तक ये फिल्म बन नहीं पाया। इसको लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आ चुका है। राकेश रोशन की कहना है कि मैं इतने सालों से क्रिश 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ, मैं इस फिल्म को एक हॉलीवुड लेवल की फिल्म बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, ताकि लोग इस फिल्म को देखते वक्त पिछले दो पार्ट की तरह ही सालों सालों तक याद रहे। और फाइनली स्क्रिप्ट भी फाइनल हो चुका है, और जिस लेवल की स्क्रिप्ट मैंने लिखा हूँ इससे तो कोई शक नहीं कि लोगों की ध्यान 15 मिनट के अंदर इस फिल्म के ऊपर आ जाएगा। अब की बार फिल्म की बजट भी काफी हाई रखा गया है, क्योंकि फिल्म में अब काफी खतरनाक VFX यूज किया जाएगा, जिससे फिल्म की बजट भी काफी हाई होने वाली है। और खबरें निकल के आ रहा है कि फिल्म के बजट लगभग 700 से 800 करोड़ का है। इससे ही आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि फिल्म में हमें किस लेवल की VFX देखने को मिलने वाली है। वही बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म में हमें ऋतिक रोशन तो लीड रोल में दिखेंगे ही, और हो सकता है कि हीरोइन के रोल में हमें दूसरे किसी एक्टर को देखने को मिले। लेकिन सबसे बड़ी जो इस फिल्म से खबरें निकल के आ रहा है वो है जादू की वापसी। जी हां दोस्तों, इस बार फिल्म में हमें जादू की वापसी भी देखने को मिलने वाली है। कुल मिलाकर फिल्म की स्टोरी तो काफी दमदार होने वाली है, और इस फिल्म में हमें काफी खतरनाक VFX देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिल्म को लेकर हमें और भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ऋतिक रोशन अपनी अपकमिंग फिल्म वार 2 की शूटिंग पर बिजी है, जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है। और अगर क्रिश 4 की शूटिंग 2025 से स्टार्ट कर दिया जाए तो फिल्म की शूटिंग में ही लगभग एक साल का वक्त तो लग ही जाएगा। और दूसरा कि इस फिल्म में काफी भारी VFX यूज किया जाएगा, और आप सभी को तो बताइए कि VFX वाले फिल्म बनने में कितना समय लगता है, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये फिल्म हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। अगर फिल्म की शूटिंग 2025 में स्टार्ट हो जाए तो ये फिल्म हमें 2027 तक देखने को मिल सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।